जी शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों अभी मैं हूँ पीपल्स मॉल के पीछे भोपाल में और आज है कथा का चौथा दिन। चलिए मेरे साथ चलते हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से कथा का आनंद लेते हैं। गुरु जी आप लोग भी एलईडी पर और आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो हमारे साथ। मेरा नाम तारा रजक है, मैं चार इमली भोपाल में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरु जी कलयुग में शिव युग आ गया, हमारा बाबा तो पृथ्वी पर आया कि ना आया, पर शिव पुराण अगर पृथ्वी पर भेजती तो समझो बाबा ही आ गए। गुरुदेव मेरी जीत पर दो गठाने थी और मेरी जीवान पर जो दो गठान हो गई थी उनका इलाज चलता रहा पर वो गठान ठीक नहीं, खाने पीने में दिक्कत आने लगी, गठान का स्वरूप बढ़ने लगा। एक गठान पहले बड़ी थी एक छोटी थी, अब गठान का स्वरूप बढ़ते बढ़ते पर ठीक नहीं हो पा। हमारी पड़ोसन ने कहा शिव जी पर जल चढ़ाओ, दवाई अपनी जगह करते रहना। शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती जल को लाती आचमन करती और एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी खाना प्रारंभ कर। गुरु जी मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, एक चावल का दाना और एक लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए, मेरी गठान के जीवान की दोनों गठान के ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, मेरी गठान गल गई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तंत्र कथा समाप्ति के पश्चात यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे भक्तगण भंडारे के महाप्रसाद का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक भक्तगण है, चलिए इनसे पूछते हैं, भैया कहाँ से आए हैं आप? हम कानपुर से आए। अभी आपको यहाँ का प्रसादी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ पे व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था भी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया, आज आप क्या लेकर आए हैं भक्तों के लिए? आज हम भक्तों के लिए आलू छोले की सब्जी लेकर आए हैं और हम लाने वाले कोई नहीं है, लाने वाला भोलेनाथ जी हैं और हम उनके आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज ला रहे हैं और रोज सेवा दे रहे हैं। बस अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई त्रुटि ना रह जाए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबके लिए जितना मिल सके उतना हो। जय श्री राम। जय श्री राम भैया, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हम भी बस भैया के साथ में बाबा करवा रहे हैं सब कुछ। जय श्री राम दीदी। जय महाकाल। हम लोग बाबा के भक्त हैं और हम लोग निस्वार्थ भाव से आज ये भंडारा कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मुझे मुझे की महाप्रसादी, चलिए से ग्रहण करते हैं आप। वाह भाई, महाप्रसादी का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है।
यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे फ्री कुल्फी भी मिली है। यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है, कुल्फी, भोजन, नाश्ता, सब कुछ। श्री शिव महापुराण कथा सब में मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे फूड वेस्टेज बहुत हो रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे तो भोजन का बहुत सारी सामग्री है, तो आप जो चाहे वो अपने मन पसंद का निशुल्क भोजन ले सकते हैं। लेकिन एक निवेदन मैं सारे भक्तों से यही करूंगा कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो आज की कथा का सार है कि आप पूजा पाठ भले ही 1 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा करें, लेकिन महादेव पर भरोसा 24 घंटे करें। तो मैंने श्री महापुराण की कथा और भंडारे का पूर्ण आनंद ले लिया है। अगर आपको भी भोपाल में श्री महापुराण कथा का 5 दिन का लाभ लेना है तो आप कल आना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नानू के सफर में एक न्यू वीडियो में। तब तक लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर शंभू, हर हर महादेव।